फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। हकीकत क्या है बताइए, मेरे बाबा के कातिलों के साथ आप भी शामिल हैं ना वालिदा? किसी ने रियासत के हुक्म की पासदारी ना की और रियासत से बगावत की कोशिश की तो उससे हिसाब लिया जाएगा। मरहूम सुल्तान का अर्तुरुल सरदार पे उनके एतमाद के बाइस और इब्नुल अरबी के कहे गए अल्फाज की रोशनी में यह है कि अर्तुरुल सरदार मासूम है और इन्हें आजाद करने का हुक्म देता हूं मैं। इन्हें फांसी देने के इंतजामात मुकम्मल करो। सुल्तान गयासुद्दीन जानते हैं कि उनकी वालिदा वजीर और सादतिन को पैक मुलविस है उनके बाबा के कत्ल में, लेकिन अपनी वालिदा की इज्जत को बचाने के लिए खामोश है। अल्तुनबा शहजादा के लिए जरसलान और उनकी वालिदा को कत्ल करने के लिए रवाना हो चुके हैं। करना मेरे मालिक, उसके दिल में हमारी मोहब्बत को यकीनी बनाना हफ्सा। असलिहान, तुम्हारे शौहर ने जालिमों के आगे हथियार नहीं डाले, याद रखना। हमने कभी भी जुर्रत नहीं की अपनी रियासत के खिलाफ जाने की।
तुम सारी उम्र अपना सर उठाकर जी सकती हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे असलिहान। हमारी रियासत के दुश्मन इस सब के असल जिम्मेदार हैं। अल्लाह अल्लाह आप पर अपना करम करे, बुलंदी अता करे तुमको, अल्लाह रहम करे आप पर। असलिहान, तुम छोड़ो जालिमा, छोड़ दो मेरे बापसी को, जाने दो हमें। याद रखना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, जल्द ही तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। याद रखो इस दुल का हिसाब देना होगा तुम्हें, याद रखना तुम लोग। कुनाल साहब, आज नहीं तो कल तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। देख कुसूर और बेगुनाह लोगों को उनके ही फतह किए हुए किले में सजा देकर अपनी कब्र खुद खोद डाली है। आज इस किले में सुल्तान की जान लेकर बगावत करने वाले गद्दारों को सजा देने के लिए जमा हुए हैं। यह सजा इस मामले का इख्तिताम नहीं होगी। हमारे बहादुर और अजीम सुल्तान को शहीद करने का इनका यह नाकाबिले तलाफी गुनाह, इन्हें कब्र में भी सुकून नहीं लेने देगा। और इनके पीछे रह जाने वाले कबाइल ने अगर रियासत के खिलाफ बगावत की तो याद रखो कि मैं उनको भी सजा देने से हरगिज गुरेज नहीं करूंगा। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, तुम और तुम्हारा दिमाग पलटने वाले सादतीन का बहुत जल्द बुरा अंजाम होगा इंशाल्लाह। गुनाल साहब, हम मौत के मुंह से भी वापस आएंगे इंशाअल्लाह, और तुम्हारे किए गए हर जुल्म का हिसाब लेंगे। किसी को भी रियासत के खिलाफ सर उठाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। तुम सब जहन्नुम में जाओगे। सुंगुर तकिन भाई, किसने चलाया ये तीर? सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल। अरे सरदार अर्तुरुल आ गए भाई। अर्तुरुल, महल पर साजिशियों ने कब्जा कर लिया है, मगर मेरी बेगुनाही फिर भी साबित हो चुकी है।
हमारे सुल्तान गयासुद्दीन के हुक्म के मुताबिक मेरी और मेरे साथियों की बेगुनाही साबित हो चुकी है। अब तुम मेरे बहादुर और दिलेर सिपाहियों के गले से फांसी के ये फंदे उतार डालो। अब मुझे तुमसे अपने बहादुर सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का हुक्म देने वाले मलून का हिसाब लेना है। सुल्तान अलाउद्दीन के फरमान के मुताबिक कारा जहिसार किले भेजे जाने वाले किलेदार गुनाल अपने सरदार आला के फराइज को बखूबी संभाल लेंगे। जंगों में आपके बाबा के साथ शामिल रहने वाले बहुत बासलाहियत हैं किलेदार गुनाल सरदार। जब आप सफर पे तशरीफ ले गए थे तो हमारी सरहदें उन्हीं की बदौलत महफूज रही थी। अर्तुरुल सरदार मासूम है, आप भी ये बात बखूबी जानते हैं। बाबा को पुरसुकून मौत नसीब हुई, हर एक केल में यही बात रहेगी। आला, तो फिर अर्तुरुल सरदार बाबा के आखिरी फरमान के मुताबिक सरदार आला की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। सुल्तान, अर्तुरुल सरदार की मासूमियत साबित होने से हम सबको खुशी हुई है, लेकिन जब आप जंग में होंगे वो अपनी हठधर्मी से हम सबके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी करने की सलाहियत रखता है ये हम जानते हैं। शहजादा किलिच अरसलान अभी तक हयात हैं। इन हालात में अर्तुरुल सरदार क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं नहीं मालूम। मोहतात रहिए जनाब। बस करो, मेरे बाबा के फरमान को वापस लेने का ना ही तुम्हें और ना किसी और को हक है। अर्तुरुल सरदार पे पूरा एतमाद है, ये जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहेगी। गुनाल सरदार अर्तुरुल सरदार के साथ उनके जेर कमान पूरे एहतराम के साथ उनके ताबेदार रहेंगे। हुक्म है ये मेरा, समझ गए आप? जहां तक किले दरसलान का ताल्लुक है तो वो अपनी वालिदा के साथ अनकरा के किले में सुकूनत इख्तियार करेंगे। उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और अगर कुछ भी ऐसा सुना तो सबसे पहले आप लोगों से हिसाब लिया जाएगा। मेरे बाबा की तरह ये हमें भी मार डालेंगे वालिदा। किले जरसलान, तुम सुल्तान अलाउद्दीन के फरसंद हो, अपने बाबा की वसीयत से और अपने शर्फ से गाफिल नहीं हो सकते। हमें भाग जाना चाहिए। तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाबा की वसीयत के साथ और उन पर जान कुर्बान करने वाले रियासत के वफादार सिपाही हैं फरजंद, और वक्त आने पर वो तुम्हें हिफाजत के साथ उस अल्तुनबा और उसके सिपाहियों से लड़ते हुए बचाकर यहाँ से ले जाएंगे। हाँ,
वो तुम्हारे लिए रहवार तैयार रखेंगे। और आप? मेरी फरजंद किले चरसलान, तुम्हारे बाबा तुर्क कबाइल और आलम इस्लाम की बका के लिए तुम्हें तख्त नशीन देखना चाहते थे। भूलना नहीं, तुम्हारे हाथों में है इस रियासत का मुस्तकबिल। फरजंद जाओ और जंग करो अपने हक की खातिर। तुम्हारे बाबा की रूह बस इसी तरह सुकून पा सकती है, याद रखना। तुमने हद से तजावुज किया है गुनाह सरदार, तुम्हें अब इसकी कीमत चुकाना होगी। मुझे रियासत ने आपका साथ देने वालों को कत्ल करने का हुक्म दिया था अर्तुरुल सरदार। तुम चोरों की तरह मेरे फतह किए गए किले में दाखिल हुए, यहां तक के मेरे मकाम तक जा पहुंचे। यह कैसी जसारत है गुनाह सरदार? जवाब चाहिए मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ किलेदार की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे रहा था। आर्तुक सरदार, तुर्गुत सरदार, सिपा सालार बमसी और मेरे भाई सुंगुर तकिन, उन सबको आखिर किस जुर्म में सजा सुनाई गई? आपके भाई सुंगुर तकिन ने किले में घुसकर जिंदान से कैदियों को फरार कराने की कोशिश की थी। क्या उनके सरदार के मुतालिक फैसला सुना दिया गया था? सुंगुर तकिन सरदार, उन बेगुनाह लोगों के कत्ल से तुम्हें रोकने के लिए और क्या करते? एक वजीर के चंद अल्फाज की वजह से रियासत के बहादुर सिपाहियों को कत्ल करने की बेवकूफी कैसे कर सकते हो तुम? अमीर सादतिन सुल्तान नहीं है कि वो रियासत के बहादुर सिपाहियों को कत्ल करने का फरमान जारी करे। अल्तुनबा काजी नहीं है जो शरीयत पर और कानून पर हद जारी करे और तुम्हें जल्लाद तायिनात करे। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने अहकामात पर अमल किया है अर्तुरुल सरदार? या तो तुम अमीर सादतिन को अपना हथियार बेच देने वाले गद्दार हो, या वफादारी में अंधा हो जाने वाला वो सिपाही जो काबिल तर्स होता है। बताओ मुझे, तुम क्या हो गुनाह सरदार? बहुत हो गया अर्तुरुल सरदार, हाथ में रहे अपनी। इब्नुल अरबी जैसी मौत पर हस्ती की आपके लिए जमानत पर और सुल्तान के हुक्म पर आपको रिहा किया गया है। मैं और कुछ सुनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझ पर सुल्तान के कत्ल का जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था, उन्होंने देख लिया कि मैं बेगुनाह हूं। ठीक है, मेरी और मेरे सरदारान की रियासत के साथ वफादारी और बेगुनाही सामने आ चुकी है, लिहाजा तुम्हारी अब यहां कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रही गुनाह सरदार। अब तुम अपने सिपाहियों को अपने साथ लो और निकल जाओ किले से। आप मुझे और मेरे सिपाहियों को इस किले में अपनी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोक सकते अर्तुरुल सरदार। तुम्हें लगता है अपना फतह किया गया किला तुम्हें दे दूंगा मैं? हरगिज नहीं। ना मुझे इसका हक है
और ना ही ख्वाहिश। अमीर सादतीन और अल्तुन अबा के अहकामात आपके बेकसूर होने पर जाहिल हो चुके हैं, लेकिन हमारे मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के जारी करदा आखिरी फरमान से इन्हेराफ नहीं कर सकते हम दोनों। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन ने मेरे अहलत किले में फराइज के दौरान यह फरमान मुझे भेजा था। फरमान के मुताबिक मुझे अपने सिपाहियों के हमरा कारा जहसार किले आकर आपकी कमान में खिदमत अंजाम देना है। अगर आपके मुताबिक आप मरहूम सुल्तान के इतने ही वफादार सरदार आला हैं तो आप इस आखिरी फरमान के पाबंद रहेंगे। सुल्तान का फरमान मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें यहां रुकने की इजाजत दे दूंगा गुनाब सरदार, लेकिन अगर तुमने वफादारी ना निभाई और मेरे अहकामात पर अमल ना किया तो मुझे सबक सिखाना होगा तुम्हें। अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। महतरम, बहुत ताज्जुब खेज शहर गए। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इस कदर इत्मीनान और सुकून का इतना रूह परवर मुशाहिदा नहीं किया। नमाज पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी रूह बिल्कुल साफ हो गई हो। माशाल्लाह, मुझसे पछतावे का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा। आबशारों से बहता ये शफाफ पानी तहारत की तमसील है फरसंद। ये इंसानी वजूद को हर तरह की कसाफत से पाकिजगी देता है और आंखों से बहता पानी रूह को पाकीज़गी बख्शता है। कल्ब में मौजूद बाग की आबियारी करता है। तुम्हें इन पछताओं पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारे ये आंसू रूह की सलामती की अलामत हैं। मोहतरम, आपने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, लेकिन
सोचता हूं इसके बाद और कितने दरवाजे खुलना बाकी हैं। दरवाजे खोलने वाली अल्लाह के साथ है, हम तो बस वसीला बनते हैं। अगर तुम इसके तालिब ना होते तो हम तुम्हारी मदद करने से कासिर रहते। रब करीम कुरान पाक में फरमाता है, अगर लोग अपनी हालत बदलना ना चाहें तो कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह अगर किसी का बुरा करना चाहे तो कोई उसे चाह कर भी बदल नहीं सकता। खुद को बदलना इंसान के अपने ही हाथ में होता है। तुम्हारी मदद करना मेरे लिए बाइस शर्फ है, ये अल्लाह का तुम पर करम है। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे अजीम रहमतों से नवाजा। मैं बहुत मोहतात हो गया हूं, अपनी ख्वाहिश को और बढ़ाना चाहता हूं मोहतरम। अपने दीन को और कुरान करीम को बेहतर अंदाज में समझना चाहता हूं। आप मेरी मदद करेंगे मोहतरम? क्यों नहीं फरसंद, अगर तुम दीन और कुरान करीम को समझना चाहते हो तो सबसे पहले पैगंबर अकरम की जात को समझना होगा। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से नबी के अखलाक के बारे में पूछा तो हजरत आयशा ने जवाब दिया, उनका अखलाक कुरान का मुकम्मल नमूना है। हमारे पैगंबर ने कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी। कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है, जो लोग अल्लाह तक रसाई हासिल करना चाहते हैं वो अल्लाह की मखलूक का मुशाहिदा करें कि वो किस तरह अल्लाह का जिक्र करके उसका तकर्रुब पाते हैं। मेरे फर्जंद, हमारा फर्ज है कि हम इस मिसाल की मानिंद उस रब की मखलूक की तरह अपनी जिंदगी गुजारें, क्योंकि हमारे लिए वो इतने बेहतरीन रहनुमा हैं कि उनकी हयात मुबारका के हर गोशे में जिंदगी गुजारने के असरार और रमूज की मिसालें मौजूद हैं। मोहतरम, मैं भी इस मुबारक हस्ती के बारे में जानना चाहूंगा, उन्हें समझना चाहूंगा। मुझे हिदायत दे अल्लाह के उनका रास्ता समझ सकूं मैं। आमीन। मोहतरम, चाहे मैं कितनी ही देर आपकी सोहबत से फैजियाब होता रहूं, लेकिन मेरी तृष्णगी बरकरार रहेगी। अर्तुरुल सरदार की तरफ से दी जाने वाली जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मुझे रवाना होना है। अल्लाह फिर हमें जल्द दोबारा मिलवाए ताकि मैं आपकी सोहबत से मजीद फैजियाब हो सकूं। जरूर मिलेंगे फरसंद, हक की राह को अपनाना बहुत कठिन है, इंतहाई मुश्किल और खतरनाक भी, लेकिन इस सफर के इख्तिताम पर अजर अजीम भी है। अब तुम हक की राह पर गामजन हो सकते हो, हमारी दुआओं का लश्कर तुम्हारी हिफाजत करेगा। बहुत शुक्रिया मोहतरम, अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह हमेशा आपसे राजी रहे मोहतरम। सलामत रहो फरसंद। बहुत शुक्रिया। भाई अर्तुरुल,
माशाल्लाह, गुंदोगदू भाई और दुंदार दोनों एक साथ यहां आएंगे, लेकिन मेरे यहां आने से पहले उन दोनों ने मुझसे एक बात कही थी। अर्तुरुल के साथ रहना सलीबियों से जंग करने से ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है। सच ही कहा था। पहाड़ों पर बादल और बहादुरों के सरों पर बिजली कड़कती रहती है भाई। बहुत से गद्दारों और दुश्मनों के बावजूद हम मौजूद हैं इस सरजमीन पर। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। कैसे हो मेरे बहादुर? बहुत बेहतर भाई। अरे माशाल्लाह। कैसे हो मेरे शेर? भाई भाई, सही वक्त पर पहुंच गए आप, बिल्कुल सही वक्त पर। माशाल्लाह। गुनाल्प सरदार को आपने हथियार दिला दी? गुनाल्प सरदार की नीयत पर मुझे कोई शुबा नहीं, लेकिन सादतिन के साथ उसकी वफादारी मुश्किलात जरूर पैदा कर सकती है हमारे लिए। आर्तुक भाई, हुक्म कीजिए। यह किला सबसे पहले अल्लाह के और उसके बाद आपके हवाले है। सादतिन ने गुनाल्प सरदार को हमारे सीरों पर खंजर की तरह मुसल्लत कर दिया है, लिहाजा उसे सादतिन के फितने फैलाने से रोकने के लिए हमें फौरी तौर पर अहकामात देकर हरकत में लाना होगा। भाई, अगर इसकी तरजीह मौजूदा रियासत की बका के अलावा कुछ नहीं है तो हमें मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। मैं यहां सिर्फ अपनी वालिदा की दस्तबोसी करने नहीं आया, रियासत को सादतीन जैसे गद्दारों से छुटकारा दिलाने तक मैं यहीं रहूंगा मेरे भाई। अगर हमने उस मलून को जल्द काबू ना किया तो वो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि तमाम तुर्क कबाइल को अपना हदफ बनाएगा। आखिरी सांस तक आपके साथ हूं सरदार। बहुत शुक्रिया भाई। गुनाल सरदार की हर हरकत का इल्म होना चाहिए मुझे। हम उसे गलती करने का कोई मौका नहीं देंगे, और अगर उसने कोई गलती की तो वही करना जो मुजरिम के साथ किया जाता है। जैसा आपका हुक्म। जो आपका हुक्म भाई। भाई, अहमद सिपाही कहाँ है? सुना है वो हमारा मुसलमान भाई बन गया है। इसमें कोई शुबा नहीं, बिल्कुल सच है बंसी। इब्नुल अरबी के हमरा वो यहां के लिए निकल चुका है। उनके यहां पहुंचते ही अहमद बिलेजिक के जमींदार के पास जाएगा। वो वहां रहते हुए हमें हर पल की मालूमात फराहम करता रहेगा। अल्लाह उसकी मदद फरमाए सरदार। आमीन आर्तुक भाई। आमीन आमीन। बमसी। हाय हाय अफसा, अफसा खातून। असलिहान। चलो अर्तुरुल भाई। अर्तुरुल साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। बहुत शुक्रिया खवातीन, बहुत शुक्रिया। अब हम कबीले चलते हैं अपने। मुझे वहां कुछ बातें करनी है आप लोगों से। अर्तुरुल एक बेहतरीन जंगजू है और रियासत से वफादार भी है। क्या हम उस पर यकीन कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि उसकी नीयत साफ है आयतोमोश, लेकिन वो एक खुदसर आदमी है। वो नहीं जानता कि अमीर सादतीन मेरे लिए एक बाप की हैसियत रखते हैं। उसके अल्फाज मुझे असीयत देते हैं, लेकिन असल मसला यह है उसकी खुदसरी की वजह से हमारी रियासत को नुकसान पहुंच सकता है। अर्तुरुल सरदार सुल्तान के भाई किले जरसलान के वफादार हैं, यह बात आश्कार है, और अमीर हजरत भी खासे परेशान हैं। पूरे महल में हलचल मची हुई है। अगर यह सच है तो अर्तुरुल सरदार की मौत मेरे हाथों होगी। मैंने अपनी वालिदा, अपने पापा
और अपने भाई बहनों को शहजादों की जंग में कुर्बान होते देखा है। अपनी रियासत को कुर्बान नहीं होने दूंगा मैं। अर्तुरुल सरदार के हर कदम की खबर होनी चाहिए मुझे। पहले मुझे और फिर अमीर सादतीन को भी। जो आपका हुक्म। जहन्नम के सिपाहियों, तो आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। या अल्लाह, इस मुश्किल काम में मेरी मदद फरमा। जहन्नम के सिपाहियों, अरे सही है तो यहां क्या कर रहे हो तुम एरिस? तैयार हो जाओ, विलेजिक के जमींदार से मिलने जा रहे हैं हम। क्या हासिल होगा विलेजिक के जमींदार से मिलकर? अर्तुरुल से इंतकाम लेने के लिए मदद का कहूंगा उससे। तुम हमारा हर राज सुल्तान को बता चुके हो। हमारा अजीम जंगजू तीतान तुम्हारी वजह से मारा गया। तुम्हारे जैसा मक्कार आदमी क्या खाक इंतकाम लेगा अर्तुरुल से? मैंने अपने मकसद के बारे में कुछ नहीं बताया। अजियत ही मुझे, मगर मारा नहीं। अब तुम सब मेरी कमान में रहोगे। हाँ। और फिर बिलिचिक के जिम्मेदार की मदद से हम उन वहशी तुर्कों से इंतकाम लेंगे। सुना तुम लोगों ने, अब हम इसकी कमान में चलेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। जहन्नम के सिपाहियों, हमला करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? जमींदार हूं मैं। हारा हुआ, मजबूर, कमजोर और बूढ़ा जमींदार। ले चलो इसे गार में, हमें और भी बहुत से काम निपटाने हैं। अर्तुरुल को
सुल्तान अलाउद्दीन के फरमान के बदौलत मजीद मजबूत नहीं होने दूंगी मैं अमीर सादतीन। गुनाल मुकम्मल तौर पे मेरा वफादार है, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो अगर इतना ही बाउसूल है तो वो अर्तुरुल का भी हामी बन सकता है। उसका मुकर्रिब एक समझदार आदमी है, अगर गुलाल ने कोई गलती भी की तो वो मुझे खबर कर देगा और मैं उसकी सजा दूंगा उसे। बहुत खूब, गयासुद्दीन हर बात से बाखबर है लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा। उसके बाबा की मौत तबई है, वो सबको यही यकीन दिलाना चाहता है। उसे हमारी हर हरकत का इल्म है, इसलिए तुम कोई ऐसा कदम ना उठाना जो उसके खिलाफ हो। सादतीन परेशान ना हो आप, वैसे अर्तुरुल का अगला हदफ यकीनन सोत होगा। अगर अर्तुरुल ने उसे हासिल कर लिया तो वो रियासत के अंदर रियासत बनाने में कामयाब हो जाएगा। बिलेजिक के जमींदार को तुम्हारा भेजा गया दोस्ती का मकतूब क्या इस मसले का हल निकाल सकता है? बिलेजिक का जमींदार तलवार और गुनाल तीर साबित होगा। बिलेजिक का जमींदार अपने बेटे के कत्ल पे अर्तुरुल के सिपाहियों पर शदीद गुस्से में है, नफरत करता है वो। हम उसकी इस नफरत का फायदा उठाएंगे। ये सुकून अर्तुरुल का खात्मा साबित होना चाहिए, इस मामले को फौरन अंजाम तक पहुंचाना होगा। खुदावंद, मुझे मेरे बेटे का सर भेजने वाले और उसकी जान लेने वाले तुर्कों से इंतकाम लेने में मेरी मदद फरमा। मेरी दुआओं को कबूल फरमा खुदावंद। आ जाओ। जमींदार क्रितोस, अमीर सादतीन की जानिब से मकतूब आया है। खुदावंद ने मेरी दुआएं सुन ली। लियो, आखिर वही हुआ जो मैं चाहता था। मकतूब में क्या लिखा है मोहतरम? अमीर सादतदीन, वेसिलियस और एरिस की तरह मुझसे भी खित्ते में अमन के मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। लियो, लेकिन दरअसल वो अर्तुरुल का सर चाहता है। उसका सर भी दूंगा मैं। सुल्तान अलाउद्दीन के जमाने में जो महसूल हम सलजूक रियासत को दिया करते थे वो उससे राजी है और खैर सगाली के तौर पर सऊद के तमाम इलाके हमें इनायत कर देगा। सुल्तान गयासुद्दीन की इस जंगी मुहिम के दौरान हमारे साथ इत्तेहाद की उम्दा चाल है ये, लेकिन अर्तुरुल, उस सरदार आला का क्या होगा? सुना है सुल्तान से उसने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लिया है। अर्तुरुल कभी भी हमारे साथ मुआहदा नहीं करेगा। हमारा ये अमन मुआहदा किलेदार गुनाल के साथ तय पाएगा। लियो, अर्तुरुल इसकी इजाजत नहीं देगा मोहतरम। वो जानता है ये बात, उसका मकसद अर्तुरुल को मुझे पेश कर देना है। ना तो सुल्तान और ना ही रियासत अर्तुरुल की कभी भी मदद करने पर राजी होगी। अर्तुरुल उस लोमड़ी की तरह है जिसे उसकी रियासत ने अकेला छोड़ दिया है। रेवड़ से बिछड़ी लोमड़ी का अंजाम क्या होता है हम जानते हैं। पहले मैं सऊद लूंगा और उसके बाद अर्तुरुल का सर कलम कर दूंगा। तुर्कों से इंतकाम लेना चाहते हो ना तुम? बिल्कुल। जीता
सुल्तान की मौत का बदला लेना चाहते हो? सुल्तान की मौत का इंतकाम लेना है। शहजादा किलिच अरसलान और उनकी वालिदा अल्तुनबा के साथ अनकरा किले की तरफ गामजन है। हमारा शक है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद से हूँ अर्तुरुल, अगर ये लड़का है तो अल्लाह हमें उस्मान की नेमत से नवाज रहा है। कुपैक ने ही गुनाल्प को बचाया और पाला पोसा, उसकी वफादारी की वजह यही है।